हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 7th लेकर आए हुए हैं और कुछ यूनिट कंजर्वेशंस आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा फीट में दे दिया रहे तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर सेंटीमीटर में दे दिया रहे तो फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम बहुत सारे यूनिट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सफिक्स परफिक्स, यानी उपसर्ग प्रत्यय इसको हिंदी में बोलते हैं। और सफिक्स परफिक्स में बहुत सारे, इसमें सफिक्स परफिक्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं घाते होते हैं, जैसे एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टा डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमेटो एटो, 16 को सफिक्स परफिक्स होते हैं। इसको अगर याद करके रखते हैं तो क्लास 12 का जो राह होगा काफ़ी आसान हो जाएगा और वहाँ पर आप लोग को बहुत आसानी पूर्वक से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं सफिक्स परफिक्स, सफिक्स प्रफिक्स। देखने वाले हैं बाबू, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद सिंबल लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं और उसके बाद जस्ट हम लिखेंगे यहाँ पे घात, यानी घात को हम बोलते हैं फैक्टर भी बोलते हैं, घात यानी इसको इंग्लिश में पावर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर होता है संकेत यानी सिंबल, संकेत यानी सिंबल। अब देखिए बाबू, यहाँ से क्वेश्चंस आपका कोई कोई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर यूनिट कंजर्वेशंस के बारे में हम लोग कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें बाबू सफिक्स परफिक्स 16 को होता है, कितना होता है 16 को होता है। पहला होता है एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, 16 को सफिक्स परफिक्स होता है। अगर इसको याद करके रखते हैं तो क्लास 11th और 12th में यूनिट कंजर्वेशंस में कोई प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला घात होता है बाबू एक्सा, एक्सा होता है बाबू एक्सा, एक्सा पेंटा, एक्सा पेंटा टेरा टेरा गीगा मीगा, एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, कितना होता है बाबू एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टो, किलो हेक्टो डेका डेसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी सफिक्स प्रफिक्स आपका कितना होता है बाबू 16 को होता है, कितना होता है 16 को होता है। और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा उच्चारण किया जाता है, यानी इसका बहुत ज़्यादा लिया जाता है वैल्यू के रूप में, जो इसका पावर होता है यानी गुणक होता है इसको बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जैसे यहाँ इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं और फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको बाबू, इसको फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी इसको फैक्टर को हिंदी में गुणांक भी बोलते हैं, गुणक भी बोला जाता है। अब देखिए बाबू एक्स्ट्रा के घात होता है सबसे ऊपर 18 से स्टार्ट होता है, कितना होता है बाबू 10 के पावर 18। अगर यहाँ पर पेंटा की बात करते हैं तो पेंटा का होता है 10 के पावर 15, 3 को घटाते चलेंगे। टेढ़ा का होता है बाबू 10 के पावर 12 और गीगा का होता है बाबू 10 के पावर 9 और मीगा का होता है बाबू 10 के पावर 6 और किलो का होता है 10 के पावर
3 और हेक्टो का होता है 10^2 और डीका का होता है 10^1 और डीएससी का अब यहाँ से माइनस में चला जाएगा 10^-1 और यहाँ पर सेंटी का होता है 10^-2 और मिली का होता है 10^-3 और माइक्रो का होता है 10^-6 और नैनो का होता है 10^-9 और फेमटो का होता है 10^-12 एटो का होता है 10^-15 फेमटो का 10^-15 और एटो का होता है 10^-18। यह बहुत आसान तरीका है याद करने का, सीरियल नंबर है। एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टा डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, याद हो गया। अब देखिए उस तरह याद नहीं होगा तो एक ट्रिक भी देने वाले हैं आप लोगों को समक्ष, उससे तो जरूर याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो घात होता है इसका संकेत क्या होता है बाबू, एक्सा का संकेत ई होता है, क्या होता है बाबू ई होता है, और यहाँ पर पेंटा का क्या होता है पी होता है, और टेरा का क्या होता है टी होता है, और गीगा का क्या होता है जी होता है, और मीगा का क्या होता है एम, और किलो का क्या होता है के, और हेक्टो का क्या होता है एच, और डेका का क्या होता है यहाँ पर डी ए, और डेसी का क्या होता है बाबू डी, डेका का क्या होता है डी ए, और डेसी का क्या होता है डी, और सेंटी का क्या होता है सी, और मिली का क्या होता है मिली के आपका मिली का कुछ ऐसे होता है, और माइक्रो का क्या होता है माइक्रो कुछ ऐसे होता है, नैनो क्या होता है एन, माइक्रो नैनो माइक्रो 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 को इस तरह भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, और पी को क्या लिखते हैं फी, अब फेमटो को क्या लिखते हैं एफ, और एटो को क्या लिखते हैं बाबू ए। यह आपका सिंबल होता है, क्या होता है बाबू सिंबल होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर इसको याद करने का सबसे सुफिशियंट तरीका क्या है, सबसे सुफिशियंट तरीका है बाबू हम जिस तरह हम लिखे हुए हैं उसी तरह याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, 16 को सफिक्स प्रीफिक्स होता है, और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास 11th और 12th स्तर में तो इनका बहुत ज़्यादा उच्चारण आता है, तो सबसे पहले हम लोग सोचें कि यूनिट डायमेंशन से यानी यूनिट कंजर्वेशन का कुछ टॉपिक्स है इसको हम आप लोगों को सिखा दें। चलिए दोस्तों इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, और यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल कैसे पूछ सकता है। देखिए बाबू अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस पर बेस्ट एग्जाम्पल कैसे पूछता है, यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर दे देगा एक माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम, तो देखिए यहाँ पर माइक्रो कितना है, यहाँ पर एक माइक्रो कूलम और 10^-6 है, तो यहाँ पर एक माइक्रो कूलम बराबर क्या हो जाएगा 1×10^-6। अगर यहाँ पर 5 माइक्रो कूलम कहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू 5×10^-6 कूलम। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 माइक्रो एम्पियर कहेगा तो यहाँ पर 5×10^-6 एम्पियर, इस तरह करके हम लोग लिखते हैं। अगर यहाँ पर दूसर का एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं कह देगा बाबू कि यहाँ पर 1 3 मिली कूलम, तो यहाँ पर 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है 1 मिली कूलम बराबर 10^-3, तो 3 मिली कूलम बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3×10^-3 कूलम। अगर यहाँ पर 5 किलो कहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, चेंज करेंगे 5 किलो कूलम बराबर कितना हो जाएगा 5×10^-, यहाँ पर किलो कह रहा है, किलो के लिए कितना होता है 10^3 कूलम। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड कुछ ऐसे पूछे, यहाँ पर 5 फेमटो कूलम बराबर यहाँ पर कितना होता है 5×, अब फेमटो के लिए कितना लिए हैं बाबू 10^-15, तो यहाँ पर लिखेंगे 10^-15 कूलम। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड कुछ ऐसे दे दिया रहे, यहाँ पर दे दिया रहे 8 पिको कूलम, पिको कूलम, तो 1 पिको बराबर कितना होता है बाबू 10^-12, तो 8 पिको है तो 8×10^-12 कूलम। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 डेसी दे दिया रहे, डेसी कूलम दे दिया रहे, तो यहाँ पर 1 डेसी बराबर कितना 10^-1, तो यहाँ पर 3×10^ क्या हो जाएगा -1। अगर मान लेते हैं चौथा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर दे दिया रहे 5 गीगा
5 गीगा बराबर यहाँ पर दे दिया रहे थे, 1 गीगा बराबर कितना होता है बाबू, 1 गीगा बराबर 10^-9, तो 5 गीगा है, तो यहाँ पर 5 × 10^2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 9। अगर यहाँ पे दे दिया रहा है कुछ ऐसे 2 मेगा, तो 1 मेगा बराबर कितना होता है बाबू, 1 मेगा बराबर 10^6, तो 2 मेगा है, तो यहाँ पर 2 × 10^2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर मेगा है तो एम से लिखते हैं, यहाँ पर मेगा, और यहाँ पर कूलम लगाया है, तो अगर कूलम लगाया है तो यहाँ पर कूलम लगा देंगे। और बताइए यहाँ तक बाबू कोई डाउट, इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले एक अच्छे कापी बनाकर इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको याद करने का सबसे सूटेबल तरीका क्या होता है, एक ट्रिक देंगे, लेकिन वह ट्रिक बाबू थोड़ा बहुत कठिन पड़ता है, क्या होता है कठिन पड़ता है, तो थोड़ा बहुत यही सबसे आसान तरीका है, लेकिन ट्रिक क्या है, एक देसी लड़की को देखा, दोनों सेंटी होकर छाया में को मांगे, नैनों में नैन गिरे, बाहर पिक के तेरा, पानी के अंदर फेंटा फेंटा, ए ठहर एक बार देखने दो, यह ट्रिक है बाबू। एक देसी लड़की को देखा, यहाँ पर देसी लड़की को देखा, मान लेते हैं मार्केट में जाते हैं तो कोई देसी लड़की को देखने को मिल जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसके पास से गुजरते हैं, एक देसी लड़की को देखा तनिक मिलकर, और पास से गुजरते गुजरते क्या होता है प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाने की वजह से नैनों में नैन गिर जाते हैं। तो देखिए उसी पर एक ट्रिक से, एक देसी लड़की को देखा, देसी माने क्या हो जाएगा देसी, और देखा माने क्या हो जाएगा बाबू डेका, क्या हो जाएगा बाबू डेका, पहला ट्रिक आपका सेट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक देसी लड़की को देखा, देसी लड़की को देखा यानी डेका, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा का है दोनों सेंटी होकर, अब दोनों सेंटी होकर होकर दोनों सेंटी होकर, सेंटी यहाँ पर क्या लिखा है सेंटी, और होकर माने क्या हो जाएगा बाबू हेक्टो, होकर माने क्या हो जाएगा हेक्टो, यहाँ तक क्लियर। ये पहला का ट्रिक हो गया, ये दूसरा का ट्रिक हो गया, एक देसी लड़की को देखा यानी देसी यानी डेका, और यहाँ पर दूसरा का ट्रिक है दोनों सेंटी होकर, सेंटी और होकर माने क्या हेक्टो। उसके बाद तीसरा का है आपका ट्रिक है छाया में को मांगे, तनिक मिलकर, तनिक मिलकर, यहाँ पर मिलकर, यहाँ पर तनिक मिलकर, की मान के माने क्या हो जाएगा किलो, आ मिल माने क्या हो जाएगा मिली, यह तीसरा का कॉन्सेप्ट आपका ट्रिक क्लियर। यहाँ पर ट्रिक क्या है बाबू, तनिक मिलकर, तनिक मिलकर, ए माने मिली, आ मिलकर ए के माने क्या हो जाएगा किलो, तीसरा का क्लियर। अब यहाँ पर पांचवा ट्रिक की अगर बात करते हैं तो पांचवा ट्रिक क्या है बाबू, छाया मे को मांगे, मे को छाया मे को मांगे, ए माने क्या हो जाएगा मीगा, यहाँ पर मीगा, आ मांगे माने क्या हो जाएगा माइक्रो, यानी चौथा ट्रिक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगला है नैनों में नैन गिरे, यानी छाया यानी छाया मे को मांगे, और उसके बाद है नैनों में नैन गिरे। अब यहाँ पर देखिए नैनो माने नैनो, आ गिरे गीगे माने क्या हो जाएगा गीगा, यह आपका किस्सा पांचवा ट्रिक क्लियर। अब दे यहाँ पर समझते चाहिए, उसके बाद बाहर पिक के तेरा, यहाँ पर पी माने क्या पिक के, आ यहाँ पर टे माने क्या टेरा, यहाँ पर पांचवा छठा ट्रिक आपका क्लियर। अगर सातवा की हम बात करें पानी के अंदर फेंटा फेंटा, यहाँ पर पानी के अंदर क्या फेंटा रहता है बाबू फेंटा, क्या फेंटा रहता है फेंटा, यह सातवा क्लियर। अब आठवा है ए ठहर एक बार देखने दो, ये माने एटो, ठहर एक बार देखने दो माने क्या एक्स्ट्रा, यानी आठवां ट्रिक आपका क्लियर। 8 × 2 कितना हो गया 16, यानी 16 को इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर यहाँ पर यह ट्रिक अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक देसी लड़की को देखा, यहाँ पर एक देसी लड़की को देखा, एक देसी लड़की को देखा। उसके बाद तनिक मिलकर, तनिक तनिक मिलकर, तनिक मिलकर, उसके बाद है बाबू छाया मे को मांगे, छाया मे को मांगे, छाया मे को मांगे, नैनों में नैन गिरे, नैनों में नैन गिरे, नैन गिरे, नैनों में नैन गिरे। उसके बाद बाहर पिक के तेरा, बाहर पिक के तेरा, बाहर
पीके 13, बाहर पीके 13, पानी के अंदर फेंटा फेंटा, पानी के अंदर फेंटा फेंटा फेंटा। उसके बाद है ए ठहर एक बार देखने दे। यह ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत टफ ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक देसी लड़की को देखा और तनिक मिलकर, यानी कोई भी देसी लड़की को हम लोग देखते हैं तो उसके पास से गुजरते हैं, और पास से गुजरते क्या होता है, उससे प्यार हो जाता है। तो फिर यहाँ पर उससे क्या होता है, मुलाकात होता है। तो यहाँ पर छाया मेको मांगे, यानी जब एक छाया में बैठकर उससे बात विचार होने लगता है, और बात विचार होने तो होते पीरियड में क्या हो जाता है, उसमें नैनों में नैन गिर जाते हैं, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। नैनों में नैन गिरे, बाहर पिक के 13, और पानी के अंदर फेंटा फेंटा, क्योंकि पानी के अंदर क्या फेंटा रहता है, फेंटा फेंटा रहता है। ए ठहर, और उस वक्त लड़की जाने लगती है, तो एक बार लड़का बोलता है ए ठहर एक बार देखने दो। यानी कहने का मतलब है, ये ट्रिक तो थोड़ा बहुत टफ पड़ेगा बाबू, लेकिन यहाँ पे ये वाला ट्रिक एक्सा पेंटा टेरा गीगा मीगा किलो हेक्टा डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, यह ट्रिक आप लोगों का सूटेबल है, इसको आप लोग याद करके रखिए। अब चलिए कुछ यूनिट कंजर्वेशंस व वेस्ट क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, कि अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा सेंटीमीटर में दे दिया रहे तो हम लोग कैसे फीट में चेंज करते हैं, अगर फीट में दे दिया रहे तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर डेसीमीटर में दे दिया रहे तो हम लोग लाइट ईयर में कैसे चेंज करते हैं। तो अब बाबू हम लोग चेंज करने का तरीका को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए यूनिट कंजर्वेशंस को अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए बाबू यहाँ पर इसको बोलते हैं मात्रक रूपांतरण, मात्रक रूपांतरण रूपांतरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट कंजर्वेशन, यूनिट कंजर्वेशन कंजर्वेशन। अब जरा यहाँ पर यूनिट कंजर्वेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बाबू यहाँ पर एक माइल, अगर मान लेते हैं एक माइल हम मान लेते हैं सेना में जाते हैं, तो यहाँ पर रनिंग कराया जाता है, तो वहाँ पर माइल में रनिंग कराया जाता है। जो एक माइल होता है वह आपका 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर एक किलोमीटर, अब देखिए यहाँ पर एक किलोमीटर बराबर कितना होता है बाबू, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक मीटर में अब कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ पर एक cm की बात की जाए, एक cm में कितना mm होता है, एक cm यानी सेंटीमीटर में 10 mm होता है, कितना mm होता है, 10 mm होता है। अगर हम बात करते हैं एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, एक इंच में आपका 2.45 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी एक इंच में 2.45 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर एक फीट की बात करते हैं, एक फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी 30.48 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर एक यार्ड की बात करते हैं, एक यार्ड बराबर होता है 0.914 यहाँ पर सेंटीमीटर के आसपास में होता है। यार्ड की लंबाई हम जैसे पिच उच की लंबाई मापते हैं बाबू, जो क्रिकेट खेलते हैं वह यार्ड में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, यार्ड में मापा जाता है। अब देखिए अगले यूनिट की हम बात करते हैं, तो अगला यूनिट होता है जैसे यहाँ पर एक टन में कितना केजी होता है, यहाँ पर 1000 केजी, एक टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी, और एक केजी में कितना ग्राम होता है, एक केजी में एक हज़ार ग्राम होता है, और 1000 ग्राम में 1 केजी होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 ग्राम बराबर
बराबर कितना होता है बाबू, 1 ग्राम बराबर 1000 mg के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक डे में कितना घंटा होता है, 24 आवर होता है, 24 आवर। और यहाँ पर एक आवर बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट, अगर 60 मिनट और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, अगर यहाँ पर एक लीटर बराबर कितना होता है बाबू, 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितना ml, 1000। 1 लीटर बराबर 1000 ml। और एक और होता है बाबू, मान लेते हैं यहाँ पर एक पाउंड बराबर होता है कितने के बराबर होता है बाबू, 0.04594 kg के बराबर होता है। और यहाँ पर एक पाउंड और 1 kg में कितना पाउंड होता है बाबू, यहाँ पर होता है 2.205 kg के बराबर होता है, पाउंड के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर 1 माइल बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। आ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। और 1 इंच में बराबर कितना सेंटीमीटर, 2.454 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 यार्ड बराबर 0.94 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 टन में 1000 kg होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 mg होता है। अब 1 डे में 24 डे होता है, 1 आवर बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1 पाउंड बराबर 0.94 kg के बराबर होता है, और 1 kg बराबर 2.205 पाउंड के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बदलते कैसे हैं, अगर एग्जाम्पल की तौर पर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया है 35 फीट, अब 35 फीट को कहेगा कि सेंटीमीटर में बदलिए, किस में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। अब देखना पड़ेगा कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 30.48 सेंटीमीटर इतना होता है। तो यहाँ पर 35 फीट में कितना होगा, तो यहाँ पर कितना फीट में पूछ रहा है, 35 फीट में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यानी 35 × 30.48 और गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 1066.8 सेंटीमीटर के आसपास में होगा। यहाँ तक क्लियर? अगर मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर दे दिया रहे, एग्जाम्पल यहाँ पर 2 सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पर दे दिया है 300 सेकेंड, 300 सेकेंड बराबर यहाँ पर कितने मिनट, यानी 300 सेकेंड को मिनट में चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पर 300 सेकेंड है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 300 अब बटा 60 वो कटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। यहाँ पर कितना सेकेंड हो जाएगा, 5 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? 5 मिनट में चेंज करना है, 5 मिनट में हो जाएगा बाबू मिनट, क्योंकि सेकंड से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट के बराबर आ जाएगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो सभी लोग समझ में आ गया होगा। इसको नोट नहीं किया है तो सबसे पहले बाबू इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर जो लाइट का स्पीड होता है वो 3×10^8 के बराबर होता है, इतना तो जान जाएंगे होंगे। अगर मान लेते हैं 20 किलोमीटर अब पर हावर को कह देगा कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में चेंज कर, अब यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो यहाँ पर 20 अगूढ़े यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पर 1000 मीटर हो जाएगा अब बाटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सेकेंड कह रहे थे, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600। 2 × 0 से 2 × 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 20 दा के 200 अब बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30।
और इसको कटाएंगे 200, अब बटा कितना होगा बाबू 36 होगा, इसको कटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले लेक्चर्स में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।